हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मल्टीटेक एचवीएसी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एफएचयू के एक्चुएटर को किस तरह से रिप्लेस करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, ये हमारा एफएचयू का इंटरफेस रहा बीएमएस से, जो कि हम बीएमएस से पहले देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। तो हम आ चुके हैं सीमेंस का हमारा सॉफ्टवेयर इसका है बीएमएस में, ठीक है। तो ये हमारा बीएमएस से शो कर रहा है, ठीक है। ये एफएचयू का इंटरफेस है जो कि हमारा इसका एक्चुएटर वाल्व रिप्लेस हो रहा है। तो पहले हम बीएमएस से दिखा दें आपको सारा। ये हमारा कंडीशन ऑफ कंडीशन में है, देख सकते हैं आप। सप्लाई फैन वीएफडी, सारा वीएफडी जितना भी है स्टेटस सबका ऑफ कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है जिसका एक्चुएटर वाल्व रिप्लेस हो रहा है। तो हम लेकर चलेंगे लोकेशन पे अभी आपको। पहले आप लोगों को दिखा दें बीएमएस से कैसे कंट्रोल करते हैं एफएचयू को, किस तरीके से काम करता है। ये हमारा सर्विंग एरिया हो गया, ये हमारा टेम्परेचर हो गया सेट पॉइंट, ये हमारा एफएचयू है, ठीक है। और ये हमारा सप्लाई, ये सप्लाई लाइन है, ये वाला सप्लाई लाइन है, ये हमारा जिसमें एक्चुएटर लगा है वो रिटर्न लाइन है। तो ये एक्चुएटर वाल्व जो है ये रिप्लेस हो रहा है अभी, तो इसलिए ये हमारा बीएमएस से भी ऑफ है शो करेगा। तो हम लोग बीएमएस में देख लिए एक्चुएटर रिप्लेस होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग लोकेशन की तरफ, देख लिए। इतना हम लोग समझ में आ गया कि एफएचयू बीएमएस में कैसे शो करता है, रिप्लेस होता है, ठीक है। एक्चुएटर होता कैसा है और सीमेंस का है किस जानेंगे। ये हमारा सीमेंस का है, ठीक है, लोकेशन की तरफ। सो गाइज, हम लोकेशन पे आ चुके हैं अभी, और ये हमारा एफएचयू है। अब इसके अंदर में क्या क्या लगा हुआ है पहले वो हम लोग देख लेंगे, ओपन करेंगे, देखते हैं इसमें। ये हमारा प्री फिल्टर है, इसके पीछे हमारा बैक फिल्टर लगा होगा। किसी किसी में बैक फिल्टर ऊपर होता है, किसी किसी में अंदर होता है। तो इसमें ऊपर दिया है, अंदर दिया है बैक फिल्टर। आइए अब हम लोग हीट व्हील को देख लेते हैं, हीट व्हील को और कूलिंग कॉइल को। इसको ओपन करेंगे, ये हीट व्हील है, इसमें हमारा एफएचयू के अंदर में हीट व्हील है, हीट व्हील लगा हुआ है। ये हमारा कॉइल है, देख सकते हैं कूलिंग कॉइल। सो हीट व्हील हम लोग देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मोटर के बारे में। मोटर, इसका मोटर ओपन करके देख लेते हैं क्या है। ये हमारा एफएचयू का मोटर है, फैन बेल्ट है, एक्चुएटर इसका रिप्लेस हो रही है, ठीक है। सो गाइस, ये हमारा पुराना एक्चुएटर कट करके निकालेंगे अभी। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये कट करके पुराना वाला हमारा एक्चुएटर जो है वो कट करके निकाल चुके हैं। सो गाइस, कट करने के बाद हमारा इस तरीके का फ्लैंज बन चुका है, जो कि हमारा दोनों साइड से वेल्डिंग करके फ्लैंज बन चुका है। अब इसकी हम लोग फ्लैशिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्लैशिंग हो रहा है अभी, देखिए ये पानी फ्रेश आ गया, ये फ्लैशिंग हो गया। हमारा ये फ्लैंज के बीच में ये एक्चुएटर वल्व सेट किया जा रहा है, और ये दोनों साइड में एक्चुएटर वल्व के गैसकेट लगा होता है, और ये हमारा सीमेंस का होता है, देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड में गैसकेट लगा फिक्स किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसका, जो कि एक्चुएटर वाल्व के ऊपर सेट होता है ये, और एक तरह से ये कंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोल डिवाइस भी इसको बोल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा एक फाइनल हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है एक्चुएटर, इंसुलेशन भी हो चुका है, और ये हमारा कम्प्लीट हो गया एक्चुएटर, ये फुल एंड फाइनल हो चुका है अभी। और इसमें अब हमारा वायर कनेक्शन होगा, वायर कनेक्शन करने के बाद फिर इसे चेक करेंगे। सो गाइस, ये हमारा फाइनल हो चुका है, ये इंस्टॉल हो चुका है। और इस तरीके से हम लोग एफएचयू की और एएचयू की एक्चुएटर को रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई होगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।